नमस्ते माता। तुम शायद कुछ दिन पहले भी यहाँ आए थे। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? आपका हाथ सर पर लगते ही मेरा सर दर्द ठीक हो गया, फिर से कोई परेशानी नहीं है। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। जरूर कोई बाधा है इसे। सो तो है, मगर इसके घर वाले आपका दर्शन करना नहीं चाहते। फिलहाल इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर मारिया कर रही है। माफी चाहता हूँ, डैडी के लाख कहने पर ही डॉक्टर से मिलने गया था मैं। मेरे यहाँ आने वाले मरीजों को रोक रही है डॉक्टर मारिया, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। यहाँ आकर दर्शन करने को जी कर रहा था मेरा। चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस डॉक्टरनी से इतना बता देना कि टक्कर ना ले मुझसे, बहुत बुरा होगा। मुझे पता है कि गांव वालों को बचाने के पीछे उसका मकसद कुछ और ही है। बहुत पछताएगी वो, उसका एक ही बेटा है ना? जी हाँ महेश। वही बेटा उसके सर्वनाश का कारण बनेगा। तुम क्या सोच रहे हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्षमा चाहता हूँ माते। बेलगाम घोड़े को तो हम फिर भी काबू में ला सकते हैं, लेकिन हर पल चंचल रहने वाले मन को काबू करने के लिए साधना करनी पड़ती है, समझ रहे हो ना? जी। मेरी इस बात पर गौर करके अगर इसे गांठ बांध के रखोगे तो तरक्की करोगे। हमें इस पतंग रूपी मन को काबू में करना ही होगा। तुम जाओ। जी। आओ बेटी, इस देवी माँ के आश्रम को ढूंढते हुए तुम इतनी दूर चली आई, बहुत खुशी हुई मुझे। मैं भी कई दिनों से आपसे मिलने के लिए सोच रही थी और आज मौका मिल गया। देखो बेटी, तुम्हारे मन की बात अपने ज्ञान के पर्दे पर देख रही हूँ। तुम जैसी पढ़े लिखे डॉक्टर के लिए इस आश्रम का द्वार हमेशा खुला है। देखिए देवी माँ, मैं यहाँ आपके आश्रम में अपनी जन्म कुंडली देखने नहीं आई, मैं आपको सावधान करने के लिए आई हूँ। ओह, तुम्हारे मन में जो भी शंकाएं हैं उन सभी शंकाओं का इस देवी माता के पास निवारण है बालिके। निवारण की बात छोड़िए माते, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मैं जो बोलना चाहती हूँ मैं बोल देती हूँ। बोलो बालिके। सुनने में आया है कि आपके आश्रम में जो प्रसाद बांटा जाता है उसमें नशीले पदार्थ होते हैं। बालिके, वो कौन है जिसने इस तरह की अफवाह उड़ा के तुम्हें मेरे खिलाफ कर दिया? इस आश्रम के प्रसाद के सेवन से इस गांव के बहुत से लोग अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं, और सिर्फ यही नहीं, उनकी नजरें भी काफी कमजोर हो गई हैं। बालिके, ये आश्रम और यहाँ के लोगों में आत्मिक चैतन्य कोट कोट के भरा है। मुझसे जलने वाले लोग मेरी ख्याति को देखकर मुझे और मेरे आश्रम को किसी न किसी बहाने बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक बात तो मैं जान गई, इस आश्रम को किसी खास मकसद से चलाया जा रहा है, और एक न एक दिन मैं इसका पर्दाफाश करके रहूंगी। ये गांव आज इस आश्रम की वजह से ही इतना आबाद और प्रसिद्ध है। देखो, डॉक्टर ने इस आश्रम और मेरे खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, वरना तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन आऊंगी मैं ठोस सबूत के साथ। क्या बात है, घूर के क्यों देख रहे हो? घूरूं तो क्या करोगी? अरे कुछ भी नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी, तुम्हारा नाम क्या है? क्या ये जानना इतना जरूरी है? आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मेरे बारे में पूछे। कई सन्यासिनों को मैंने देखा है, फिर तू किस खेत की मूली है ये तो बता। नहीं बेटे, बड़ों से इस तरह से पेश नहीं आते हैं, तमीज से बात किया करते हैं बेटे। तुम मेरे आश्रम में आ जाओ, खाने के लिए कहीं मिठाइयाँ दूंगी। देखो, मिठाई वगैरह में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। डेढ़ फुट का छोकरा,
मगर करता है बड़ी बड़ी बातें। तुझे पेड़ से बांध के ऐसी पिटाई करूंगी। अपनी बकवास बंद कर। पेड़ से बांध के मारेगी मुझे? मेरे सामने से फूट जा। अगर फिर तू मेरे रास्ते में आई तो तुझे और तेरे आश्रम को अपने क्रोध से जलाकर राख कर दूंगा मैं। खबरदार। किस लिए बुलाया आपने? यहां मेरा एक शत्रु है। आपका शत्रु? हमारे आश्रम के बारे में एक पुलिस वाला पूछताछ करने आया था। क्या कर सकता हूं मैं? अभी तुम जाओ, वक्त आने पर मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है मां।